Hello students, here our next lecture of class 10 subject biology and हम पढ़ रहे थे last lecture में हमने neuron के बारे में पढ़ा कैसे nerve impulse का transmission होता है ये हमने पढ़ा nerve impulse क्या होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा हमने axon और dendroid के बीच में या dendrite के बीच में हमने connection देखा कि कैसे impulses transfer हो रही हैं तो उसके बाद हमने कहा था कि तीन type की neurons होते हैं first sensory neuron second one is motor neuron and third one is relaying neuron ठीक है तो sensory neuron के बारे में अगर हम बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं या सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं तो ऐसी नर्व्स जो कि मैसेज को कैरी करके लाती हैं बॉडी के रिसेप्टर भी इन्हें कहा जाता है ठीक है रिसेप्टर ये होते हैं ये क्या करते हैं बॉडी से इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके आते हैं ठीक है कैसे जो भी हमें हो रहा है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो लेके आती है और वो किसको दे देती है इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को इनको क्या बोल देते हैं सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन ठीक है तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है इंफॉर्मेशन बॉडी टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अब और क्यों कहा ये मैं आपको बताऊंगी बाद में और दूसरी हमारी नर्व जो होती है मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन इसका काम क्या होता है ये क्या करती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज आते हैं ये कैरी करती है मैसेज को कहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी अब देखो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाती हूँ जैसे सपोज कीजिए कि हमारे हाथ में कट लग गया ठीक है हमारे हाथ में कट लग गया हमें पेन हो रहा है अब जो ये पेन हो रहा है ना ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन जल्दी से आएगा सेंसरी नर्व जल्दी से एक्टिवेट होगी और ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगी कि अरे हाथ में क्या हो गया है पेन लग गया और पेन हो गया है या हाथ में लग गई है ठीक है तो ये क्या और ये कहाँ होता है सेंस ऑर्गन में ही तो हमें फील होगा ना तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं सेंस ऑर्गन जो जो हमारे हैं वहाँ पर क्या होगा आइज ईयर टंग नोज स्किन जो भी है ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना तो ये क्या करते हैं यहाँ से इन्फॉर्म जाएगी और ये कहां लेके जाएगा या ब्रेन में जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड में इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी कि अरे हाथ में लग गई है क्या करना है ठीक है तो वहां से फिर जब ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी ना ब्रेन एनालाइज करेगा या स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करेगा कि क्या करना चाहिए ठीक उसी टाइम पे जल्दी से मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है या मोटर नर्व एक्टिवेट होती है और वो जो करना चाहिए हमने जो प्रोसेस हमने करनी चाहिए उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन लेके आता है ब्रेन से और हमारी उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है ठीक है मतलब ये हुआ कि हाथ अगर कट गया है तो हम क्या करेंगे उसमें हम क्या करेंगे जैसे हमने कभी कभी हम दबा देते हैं कभी कभी हम उसे बांध देते हैं तो वो जो बांधना है और जो दबाना है ना वो जो बताता है वो तभी हमें पता चलेगा जब ये बॉडी इस तरीके से बॉडी के पार्ट से बॉडी से ब्रेन में इंफॉर्मेशन ब्रेन से फिर बॉडी में वापस इंफॉर्मेशन मिलेगी तब हम वो करेंगे और इसमें ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं कैसे हमने एक गर्म प्लेट को टच कर लिया गर्म प्लेट को जैसे ही हम कितनी जल्दी हमने टच किया और हमने हटा दिया बस हम यही करते हैं ना टच किया और जल्दी से हटा दिया आपको पता है ये प्रोसेस होने में दो पाथवे फॉलो हो जाते हैं कौन से दो पाथवे हमने हॉट प्लेट को टच किया ना जैसे ही टच किया वैसे ही सेंसरी नर्व क्या होती है एक्टिवेट हो गए जल्दी से ब्रेन को जाके या स्पाइनल कॉर्ड को जाके नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड को जाके बताती है कि अरे हार्ट टच हो गया हार्ट टच हो गया है तो स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर नर्व होगी ना वो जल्दी से एक्टिवेट होगी और स्पाइनल कॉर्ड उसे बताएगा कि हार्ट टच हो गया तो आपने हाथ हटाना है क्योंकि गर्म लग रहा है आपको आपको गर्म हो रहा है आपका हाथ जल जाएगा आपको हाथ हटाना है तो वो जल्दी से बॉडी के जहाँ पे जो अगर यहाँ पे को अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगी जल्दी से हटाने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगी और हम हटाएंगे और हमने देखा है कि हम बिल्कुल विद इन सेकेंड भी नहीं लगता है हम इतनी जल्दी हाथ हटा देते हैं तो इतनी जल्दी और इतने फास्ट हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है ठीक है तो ये क्या हो गया सेंसरी न्यूरॉन तो रिसेप्टर होता है ये इफेक्टर होता है क्या करना है जो इफेक्ट पड़ा वो इसका काम है दूसरा तीसरा आता है रिलेइंग न्यूरॉन तो ये होता है कनेक्टर तो रिलेइंग न्यूरॉन क्या होता है दे आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सर्व लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो लिंक होता है उसे रिलेइंग न्यूरॉन से कहा जाता है ठीक है तो अब हम रिसेप्टर बहुत बोल रहे हैं तो थोड़ा हम रिसेप्टर की बात कर देते हैं तो रिसेप्टर क्या होता है ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया अभी और पढ़ेंगे रिसेप्टर क्या होता है रिसेप्टर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन या ग्रुप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि सेंसिटिव होते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुली के लिए जो कि एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से हमें मिल रहा है
ठीक है। और इफेक्टर क्या होते हैं, ये कुछ ग्लैंड होती है या कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती है स्पेसिफिक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में, जो कि सूटेबल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। जैसे हाथ जला तो हाथ हटाया किसकी वजह से, इफेक्टर की वजह से, एक सूटेबल रिस्पॉन्स उसने हमें दिया इसलिए हमने अपना हाथ हटाया, ठीक है। तो इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, हम नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम मैं आपको बताना चाहूँगी, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसे CNS भी कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। तो अब जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर से दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे को हम ब्रेन इसकी जगह बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ये पहले इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स हैं, बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, विस्ट्रल नर्व, ये तीनों टाइप की नर्व जो होती हैं वो हमारे इसमें प्रेजेंट रहती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, और साथ ही साथ कौन सी नर्व होती है तीसरी, विस्ट्रल नर्व, ठीक है। तो अब चलिए मैं बता देती हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट रहती है, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, दूसरी स्पाइनल नर्व और तीसरी विस्ट्रल नर्व। तो देखो क्रेनियल नर्व का क्या काम होता है, क्रेनियल नर्व क्या होती है ना, ये सारे पार्ट को कनेक्ट करती है हेड में डायरेक्टली, हेड से, द क्रेनियल नर्व कनेक्ट ऑल द पार्ट इन द हेड डायरेक्टली टू ब्रेन, हेड के जितने भी पार्ट होते हैं उनको ब्रेन से कनेक्ट करने का काम होता है क्रेनियल नर्व का, ठीक है। और जो स्पाइनल नर्व होती है वो जो बचे हुए बॉडी के जो मसल्स और स्किन के जो पार्ट होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, ठीक है। यानी कि स्पाइनल नर्व हेड के बाद जो मसल्स होती हैं और जो स्किन जो सेल्स होती हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है क्रेनियल, यानी कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्रेनियल कैविटी हम पढ़ते हैं ना, ब्रेन में होती है ना, तो ये क्या करता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन से जोड़ने का ये काम करता है। हमने आगे जाके ब्रेन के बारे में भी पढ़ना है, तो ये ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं उनसे नर्व्स को जोड़ने का काम करती है। और फिर एक विस्ट्रल नर्व भी होती है जो कि इंटरनल ऑर्गन, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, विस्ट्रल नर्व का जो काम होता है, मोस्ट ऑफ द विस्ट्रल नर्व जो होते हैं वो, विस्ट्रल मीन्स इंटरनल ऑर्गन ही होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। तो ये क्या करता है, विस्ट्रल जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं बॉडी के उनको क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, ठीक है, और साथ ही साथ ब्रेन से भी जोड़ती है। तो विस्ट्रल नर्व, और विस्ट्रल नर्व का काम है कि जो पार्ट्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन जो है उनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़े, क्रेनियल नर्व हेड में जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको या कनेक्ट करती है सारे, स्पाइनल नर्व जो होता है इसका जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है, रिमेनिंग पार्ट मसल स्किन के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये तो हमारे क्या हुए, हमने पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम जाना, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं और हमें नर्वस सिस्टम के पार्ट्स ही ना पता हो तो फिर ये तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर या आता है हमारे तीन टाइप के स्पेशल नर्व, जिसे क्रेनियल, स्पाइनल और विस्ट्रल नर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे को ना हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट में हमने फिर से डिवाइड किया, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है ना, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का मीनिंग है कि जो अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आएंगे उसके कंट्रोल में जो होगा उसे हम क्या बोल देंगे, विच इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन इज नोन एज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, अंडर कंट्रोल।
और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली और इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होता है इसमें ये ऑटोनॉमिक जो होता है, ऑटो मीन्स खुद से हो जाना, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हम जो करते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री फंक्शन इसका होता है और कैसे होता है ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले चलिए इतना तो आ गया ना आपको समझ में, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिलेइंग न्यूरॉन थे, और ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि बॉडी से जितनी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अब कौन सा पार्ट कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आपको इतना नहीं सोचना है, अभी बस इतना याद कीजिए। दूसरा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर होता है, ब्रेन जो बताएगा कि आपने अब क्या करना है वो बॉडी तक पहुंचाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। रिलेइंग न्यूरॉन जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करेगा उसे हम रिलेइंग न्यूरॉन कह देते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि चलो थोड़ा सा हम रिसेप्टर और इफेक्टर की बात करते हैं, तो रिसेप्टर जो कि सेंसरी न्यूरॉन जो आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे एक्सेप्ट करे, इफेक्टर जो कि एक सूटेबल रिस्पॉन्स जो प्रोवाइड करे उसे हम क्या बोल देते हैं, रिसेप्टर बोल देते हैं, ठीक है, सॉरी इफेक्टर उसे हम बोल देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम, अरे हम तो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और हमें पार्टी नहीं पता, तो देर आर थ्रू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ऑन द अदर हैंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ओके। तो इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में तीन नर्व प्रेजेंट रहती है, क्रेनियल, स्पाइनल और विस्ट्रल नर्व, ठीक है, और ये वॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक जो होते हैं, वॉलेंट्री में अंडर कंट्रोल टू द ब्रेन के उसमें होता है अंडर कंट्रोल, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद से होने वाले इनवॉलेंट्री फंक्शन इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो अब इससे, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा आइडिया तो ले लिया है, तो हम थोड़ा सा हम बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर की बात करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर हमने पढ़ा ना कि जो कि लेके आता है, तो कौन कौन से स्टिमुलस के, स्टिमुलस क्या हो सकता है, स्टिमुलस का मीनिंग होता है बाहर से कोई भी एक स्टिमुली आपको मिल रहा है, स्टिमुली मीन्स कोई करंट हो गया, जैसे लाइट, लाइट एक स्टिमुली, आपकी आंखों में लाइट पड़ेगी तो लाइट स्टिमुलस हो गया, ठीक है। आवाज़, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आवाज़ एक स्टिमुलस है, हीट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है तो वो स्टिमुलस है, टच कोई आपको कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाँ किसी ने मुझे टच किया, तो वो एक क्या है, स्टिमुलस है। स्मेल आपको फील हो रही है, टेस्ट आप कर पा रहे हो, तो वो सभी क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। तो ये स्टिमुलस होते हैं। अब इनके लिए, अब आपको पता है लाइट के लिए अलग रिसेप्टर होता है, साउंड के लिए अलग रिसेप्टर होता है, हीट के लिए अलग होता है, टच के लिए अलग, स्मेल के लिए अलग और टेस्ट के लिए अलग होता है, और लोकेशन भी इनकी अलग अलग जगह प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो हमने यही पढ़ना है सेंसरी रिसेप्टर के बारे में, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर, ओके। तो सेंसरी रिसेप्टर में, तो नॉर्मली आप एक टेबल यहाँ पे को बना सकते हैं, एक साइड लिखेंगे स्टिमुलस, दूसरी साइड एक साइड आप लिखिए स्टिमुलस, एक टेबल आप बना लीजिए, एक साइड आपने लिखा स्टिमुलस और सेकंड साइड आपने लिखा रिसेप्टर और तीसरी साइड आपने लिखा लोकेशन, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए लाइट का लिखते हैं, लाइट एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, लाइट स्टिमुलस है। लाइट के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर का नाम होता है फोटो रिसेप्टर, वैसे भी फोटो मीन्स लाइट ही होता है ना, फोटो नोट भी करना है आपने, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, लाइट कहाँ पड़ेगी, आंखों में पड़ेगी, तो नॉर्मली हम तभी तो देख पाते हैं ना, लाइट के प्रेजेंस में देख पा रहे हैं हम सारी चीज़ों को, एज्यूम कर पा रहे हैं, मीन्स आइज के पास इसके रिसेप्टर हैं जो कि लाइट को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हमें पूरी दुनिया दिखाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है साउंड, साउंड के लिए होता है फोनो, फोनो मीन्स साउंड होता है ना, तो फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर कहाँ से सुनते हैं, हम कान में, कान से सुनते हैं तो एयर्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। थर्ड, और ये सब लोकेशन हमारी सेंस ऑर्गन में ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है हीट और कोल्ड, हीट या कोल्ड, इसके लिए थर्मो रिसेप्टर,
थर्मो रेगुलेटर भी बोलते हैं ना हम, थर्मो रिसेप्टर ये कहाँ होगा फिर? स्किन में, स्किन में ही तो हमें फील होगा ना, तो ये स्किन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर आता है टच, टच भी एक स्टिमुलस है, तो इसके लिए क्या होता है? टैंगो रिसेप्टर, टच के लिए टैंगो रिसेप्टर होता है, टैंगो रिसेप्टर। और टच ये भी तो स्किन में ही फील होता है ना, तो ये भी स्किन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्मेल, स्मेल हमें फील होती है, तो स्मेल भी क्या है? एक स्टिमुलस है, और स्मेल के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ये नोज में होगा, नोज से ही तो स्मेल करते हैं ना हम। फिर नेक्स्ट आता है टेस्ट, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, ठीक है, GUSTATORY, गस्टेटरी रिसेप्टर। और कहाँ से टेस्ट करते हैं? टंग से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम टंग ले देंगे। अब देखो लोकेशन देखो, आईज, एयर, स्किन, स्किन, नोज, टंग, और ये लोकेशन क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन, सारे के सारे सेंस ऑर्गन है, ठीक है। स्किन भी सेंस ऑर्गन है, नोज भी सेंस ऑर्गन है, टंग भी सेंस ऑर्गन है, आई भी सेंस ऑर्गन है, एयर्स भी हमारे सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो, अगर आपको फील हो रही है कोई भी चीज़, तो इसका मतलब कि कुछ सेंस ऑर्गन है जो कि वो आपको फील करवा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आपकी उस स्पेशल जगह पे या जहाँ पे आपको फील हो रहा है वहाँ पे वापस इन्फॉर्मेशन लाएंगे और आपको इफेक्ट करेंगे, यानी कि आपको एक सूटेबल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? सेंसरी, ये सब हमारे क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और ये आपको लर्न करने ही करने होते हैं, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर, साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर, हीट एंड कोल्ड के लिए थर्मो रिसेप्टर, टच के लिए टैंगो रिसेप्टर, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एंड टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये आपके 1-1 करके 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं या 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो ये आपको लर्न करना ही करना होगा, ठीक है। तो आगे हमारा आता है, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो उनके पास वो अलग टाइप के, वो या इन्हीं टाइप के अलग अलग टाइप के स्टिमुली को रिसीव करते हैं और स्पेशलाइज न्यूरॉन के थ्रू, और उन स्पेशलाइज न्यूरॉन्स को क्या बोल दिया जाता है? सेंसरी रिसेप्टर, यानी कि सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू इनमें से हो सकता है एक बार में बहुत सारे हो रहे हो सकता है एक बार में एक ही आप फील कर रहे हो। तो अब ये कैसे करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कैसे काम करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में सेंसरी न्यूरॉन की वर्किंग देखते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या करता है, ऐसे आपको जल्दी लर्न भी होगा, सेंसरी रिसेप्टर कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट चेंज इन एनवायरमेंट अराउंड एन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। सीधे सीधे आप देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, मीन्स कि मान लो उसे हॉट प्लेट को उसने टच किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? द स्टिमुलस सेट अप एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन विच देन पास टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब ये स्टिमुलस क्या करेगा, ये जो स्टिमुलस इसको मिलेगा, ठीक है, जो स्टिमुलस मिला है ये क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में लाएगा। तो मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे को जनरेट हो रही हैं, और कहाँ पे, इन द सेंसरी न्यूरॉन, जो उसके बाद पास करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी विच देन पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में टुवर्ड्स CNS मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ भी उनको जाने, ठीक है। अब अगर ब्रेन में मिला, ब्रेन में गया, तो ये नर्व इम्पल्स क्या करती हैं, इन ब्रेन दीज नर्व इम्पल्स आर कॉल्ड सेंसेशन, तो इनको क्या कह दिया जाता है, सेंसेशन, ब्रेन में इन इम्पल्स को सेंसेशन कह दिया जाता है। अब ब्रेन में क्या होगा, ये जो सेंसेशन है ये एनालाइज की जाती है, यहाँ पे कोई ने एनालाइज, जो ये प्रॉब्लम थी ना, मीन्स की हॉट प्लेट को टच किया था,
ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि हॉट प्लेट को टच किया था, गर्म हो रहा है, मीन्स ना कैसे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये ऐसे जाएगा कि हाँ बॉडी, अरे उंगली जल गई है, बहुत हॉट प्लेट टच कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गई तो ब्रेन क्या करता है, अब इस सिचुएशन को एनालाइज करेगा। ब्रेन का तो काम ही यही है ना, वो एनालाइज करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, एनालाइज करेगा और कुछ सेंसेशन क्या करता है, और साथ ही साथ कुछ सेंसेशन क्या करती है, ये तो ब्रेन कर रहा है, यहाँ पे को स्पाइनल कॉर्ड भी क्या करता है, एंड सम सेंसेशन आर प्रोड्यूस इन स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। ब्रेन में इन्वॉल्व हुए बिना कुछ सेंसेशन क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी अराइज होती है, ठीक है। कुछ सेंसेशन ब्रेन में, कुछ सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, जब ये सेंसेशन हो रही है तो इसके बाद क्या होगा, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, पहले तो हम सिर्फ ब्रेन की बात कर रहे थे ना, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब तो ब्रेन भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों चीज़ें आ जाती है ना। तो अब पहले ब्रेन ब्रेन वाला हो रहा था तो ठीक है, लेकिन ब्रेन अब हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में भी हो रहा है, और हो सकता है इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, और हो सकता है इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, तो इसके बारे में मैं अब भी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आपको ये ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द इफेक्टर, ठीक है। इफेक्टर यानी कि मसल और ग्लैंड में मोटर न्यूरॉन के, यानी कि दैट इज सीधे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इफेक्टर, कि अब इफेक्टर हुआ ना बेटा, क्योंकि वापस आ रहा है, पहले गया था, ब्रेन ने एनालाइज कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड ने भी एनालाइज कर लिया, तो अब वापस बताया जा रहा है कि क्या करना है, तो क्या करेगा, इफेक्टर तक भेजेगा ना, यानी कि मोटर न्यूरॉन का काम होता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन का ये काम होता है। तो अब अभी मोटर न्यूरॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ लिया है ना मोटर न्यूरॉन के बारे में, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का काम क्या था हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने जो एनालाइज किया है उसे बॉडी के इफेक्ट, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है उस पार्ट तक पहुँचाओ, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाओ, तो वही अब उसने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाएगा, और उसके बाद ये इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर देन प्रोड्यूस अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ठीक है, अब एक सूटेबल रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करेगा, बस हो गया यहाँ पे को काम, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सेंसरी रिसेप्टर था, इसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, और उसने क्या किया, उसके बाद पास किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंसेशन हुआ, इसे हमने सेंसेशन कहा कि जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो पहुंचाया ब्रेन तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने एराइज किया, एनालाइज किया सिचुएशन को, और उसके बाद ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने ट्रांसमिट कर दिया जो उसे करना चाहिए, ब्रेन ने जो बताया कि आपको ये करना चाहिए तो वहाँ पर बताया गया, और उसके बाद इफेक्टर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, और उस ऑर्गन ने ठीक वही किया जो कि उसे करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे को मिलती हैं, रिफ्लेक्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में हम सुनते हैं, या रिफ्लेक्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, तो इसमें होता क्या, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं ना, स्पेसिफिक चेंज जो आता है हमारे एनवायरनमेंट में, जो स्पेसिफिक जो चेंज आते हैं वो क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इवॉक करते हैं ना हमारे मोमेंट को, और एक्शन को कॉल करते हैं कि आपने ऐसा करना चाहिए। तो ये मोमेंट जो होते हैं एक्शन के, केयरफुली इनको कंट्रोल किया जाता है, तीन टाइप के एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्पेसिफिक जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में, जो स्पेसिफिक चेंज आते हैं उसमें तीन टाइप के एक्शन होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स के एक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्स एक्शन, फर्स्ट कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, सेकंड होता है वॉलेंट्री एक्शन, एंड थर्ड होता है इनवॉलेंट्री एक्शन।
ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, मार्सेल हॉल नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1833 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। और इन्होंने कहा था कि दीज आर नर्व मेडिएटेड इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और एनिमल में बिना किसी विल के ही ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस ऑटोनॉमिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल, बिना किसी विल के ये होने वाले एक्शन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हम कह देते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रिस्पॉन्स का नर्वस सिस्टम में, इसे कहा जाता है। और ऑटोमेटिकली हम कुछ फंक्शन को करते हैं, जैसे कि वही बात वही आ जाती है, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है हॉट प्लेट, तो आपको बोर नहीं होना है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने गलती से बिना जाने हमने एक हॉट प्लेट को टच कर दिया, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हाथ हटा देते हैं ना। तो मूविंग आर हैंड, हमारे हाथ को हटाना ही क्या होता है, बिना हॉट प्लेट को टच किए मतलब कि हटाना ही वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से जर्क के साथ हाथ हटाना वही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ना, जैसे कि किसी शार्प चीज पे, मान लो ब्लेड पे या किसी निडिल पे हमारा पैर पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से एक जर्क के साथ हाथ या पैर हटाएंगे ना, पैर में पड़ गया या हाथ में हो गया तो जल्दी से हटाएंगे, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। और रेस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम का ऊपर नीचे होना वो भी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। नी जर्क एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। और जैसे हमें क्या होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखें टपकाना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हम खुद ही करते हैं ये, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। खांसना हमारे कंट्रोल में नहीं है, छींकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, जवानी होगी छींक आएगी, जवानी होगी खांसी आएगी, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। या आप तो ये भी कह सकते हो कि क्यों, हम तो अपनी छींक को रोक सकते हैं, हम अपनी खांसी को रोक सकते हैं, तो ठीक है एक बार के लिए मैंने मान लिया कि आप थोड़ी देर के लिए आपने रोक लिया, लेकिन क्या आपको पहले पता चलता है कि आपको खांसी होने वाली है, आपको 2 सेकंड पहले भी नहीं पता रहता कि आपको खांसी होने वाली हो, तो जब आई तब आपको पता चला कि हाँ खांसी आ रही है, चलो मैं रोक लेता हूँ, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल होते हैं हमारे, जो कि खुद से ही हो जाते हैं, ठीक है। और अब देखो आंखें, जैसे ही ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में हम जाते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो ये क्यों होता है, द प्यूपिल ऑफ आवर आई गेट स्मॉलर इन ब्राइट लाइट, तो ये भी क्या होता है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो और ऐसे ही फिर एक रिफ्लेक्ट आर्क आता है, रिफ्लेक्ट आर्क होता है जो पाथवे फॉलो करेगा, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो भी पाथवे फॉलो किया जाता है उस पूरे पाथवे को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो फिर बात आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन की जो ये रिफ्लेक्स एक्शन, हाँ एक जो साइंटिस्ट थे मार्सेल हॉल, इन्होंने 1833 में इसके बारे में बताया था। तो फिर बात आती है कि इन रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या है, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं ना, अलग अलग स्टिमुली के लिए अलग अलग रिसेप्टर, हमने अभी पढ़े ये रिसेप्टर हमने पढ़े कि अलग अलग हैं, तो ये इंफॉर्मेशन के फॉर्म, ये ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को नर्व इंपल्स के फॉर्म में, कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स के पास प्रेजेंट है जो कि इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रोसेसिंग होती है वो किसके बेसिस पे होती है, पहले की जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में उसके, या पहले के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे होते हैं, और ये ऑलरेडी हमारे ब्रेन में सेव रहते हैं, ठीक है। जैसे अब अगली बार क्या होगा ना, जैसे ही आप हॉट प्लेट को देखोगे, आपको जैसे आप किसी प्लेट को, जैसे अभी अभी अगर आप हॉट प्लेट को टच करके आए हैं, अगर 5 मिनट बाद आप अगर दोबारा से किचन में जाएंगे तो वहां पे प्लेट आप नॉर्मल प्लेट देखेंगे, तो उससे पहले उसको टच करने से पहले भी सोचेंगे कहीं ये तो गर्म नहीं है, तो वो कहां से सोचते हैं, वो कहां से हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमारे ब्रेन में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, हमें याद रखने के लिए, ताकि पहले ऐसा हुआ था हम ऐसा सोचें, ठीक है। तो जो ये मैसेज होता है उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज दिया जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जो कि रिएक्ट करता है फिर अकॉर्डिंग टू स्टिमुली, ठीक है। तो जो ये पूरी प्रोसेस होती है ये थोड़ा टाइम लेगी, हाउएवर इन सम सिचुएशन सेंसेशन रिक्वायर एन इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स एज टाइम रिक्वायर्ड एंड यूज फॉर प्रोसेसिंग मैनी कॉज हार्म टू बॉडी, तो कभी कभी हार्म भी पहुंचा देता है बहुत टाइम लेने की वजह से, लेकिन कुछ सिचुएशन जो होती हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की वो
डायरेक्ट हो जाती है, उसी टाइम वो हो जाती है। तो जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ डायफ्राम, वही ब्रीथिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में अगर आप हाथ की बात कर रहे हो, आप अगर नोज की बात कर रहे हो, स्नीजिंग की बात कर रहे हो, तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, कब कब ब्रेन इन्वॉल्व होगा, कब स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा? नॉर्मली जो हमारे हेड पार्ट नॉर्मली जो होता है ना, जहाँ तक हेड पार्ट हम कंसिस्ट करते हैं, नेक से ऊपर तक का जो पार्ट होता है या नेक तक का जो पार्ट है, वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है हमारा ब्रेन। ठीक है, और उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ इन्वॉल्व रहता है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आंसर देता है। और ऊपर वाले पर अगर ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, मतलब आंखों में अचानक से फ्लैश लाइट पड़ रही है, आप आंख बंद कर देते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रेन देगा। और अगर आपकी फिंगर में पेन हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड देगा। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके जब आपको एनालाइज करते हैं, आपकी कंडीशन को एनालाइज करते हैं ना, वो बेस्ट और परफेक्ट रिजल्ट होता है। मींस कि उनके पास वो जो रिजल्ट होगा या वो जो डिसीजन आप लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ मिलके जो डिसीजन हमारी बॉडी लेती है, वो बेस्ट डिसीजंस होते हैं। दुनिया में जितने भी बेस्ट डिसीजन है, ये माना जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों के ही मिक्स या दोनों के ही एनालाइज करने की वजह से, सिचुएशन को एनालाइज करने की वजह से वो बेस्ट डिसीजन मिलते हैं। तो कौन से पार्ट, जैसे इसके बारे में मैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर के में पढ़ाऊंगी, जब हम हॉट प्लेट को टच करने के बाद क्या हो रहा है, कौन सी मोटर न्यूरॉन, कौन सा स्टिमुलस यूज हुआ, या कौन सा न्यूरॉन कहाँ ट्रांसमिट हुआ, ब्रेन में गया या स्पाइनल कॉर्ड में गया, ये तब जब हम पढ़ रहे होंगे तो तब वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको इतना पढ़ना है, और मैंने बता दिया आपको कि कब स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहेगा, जब नेक से नीचे वाले रीजन में आपकी कोई एक्टिविटी हो रही होगी, और जब नेक से ऊपर वाले रीजन में एक्टिविटी हो रही है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जो ब्रेन है वो उस टाइम पे इन्वॉल्व रहता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर भी एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, और तब जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आग की बात करेंगे। तो आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ना है, रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और इनको अच्छे से एनालाइज कीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे।